108 एम्बुलेंस चालक व परिचालक जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं। एम्बुलेंस मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुकरपुर गांव के पास का है, जहां मार्ग दुर्घटना में घायल दो मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलेंस की स्टीयरिंग अचानक से लॉक हो गई। स्टीयरिंग लॉक होने से ही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। एम्बुलेंस गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं गंभीर हालत में रेफर मरीज की जान पर बनाई। वह एम्बुलेंस चालक ब्रज किशोर यादव निवासी उन्नाव व परिचालक सरोज कुमार निवासी हरदोई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस में फंसे मरीज व घायल चालक परिचालक को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। एम्बुलेंस चालक ब्रज किशोर का जहां दाहिना पैर टूट गया, वहीं परिचालक सरोज कुमार का दाहिना कंधा टूट गया है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि 3-4 महीने से लगातार गाड़ी खराब चल रही थी, जिसकी कई बार मैंने शिकायत की थी, लेकिन कंपनी वालों ने ध्यान नहीं दिया, इसी के चलते यह हादसा हो गया। S7 के लिए वरुणवाची के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। ब्रज किशोर लाल से रिफर लेके आ रहे हैं, मधुकरपुर के पास स्टीयरिंग लॉक हुई और गाड़ी रोड से नीचे उतर गई।